हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वन गाइस। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, फिर 3 दिन से बहुत ज़्यादा फीवर हो गया था तो थोड़ा सा ब्लॉग नहीं बन पाया था, क्योंकि इसलिए पिछली बार तबीयत ख़राब का ब्लॉग डाल दिया था तो मेरे गैंग के लोग सारे घबरा गए थे और फ़ोन पे फ़ोन आने लग गया था, तो इसलिए इस बार डाला नहीं ब्लॉग। मैंने तबीयत ख़राब हो चुकी, सारे मेरे गैंग वाले जितने सब परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए इस बार डाला नहीं तबीयत ख़राब का। लेकिन अब ठीक लग रहा है, आज थोड़ा सा फीवर नहीं आया है, कंप्लीट है। और लेकिन दवा तो खाना है, डॉक्टर बोला है कि 5 दिन का दवा कंटिन्यू खाना है, तो अभी थोड़ा सा चलना है रिशु को लाने स्कूल। थोड़ा ठीक लग रहा है, जब हैं तो ले जाते हैं, और फिर ऑफिस भी गए हुए कई दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, तो गैस थोड़ा सा ऑफिस भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि समझ सकते हैं आप लोग थोड़ा सा दिक्कत है, जाना पड़ता है तो जाना ही पड़ेगा। तो गाइस थोड़ा सा फटाफट मेडिसिन ले लिया जाए और फिर चलते हैं। इनका खजान ये सारे हैं, चलो भाई लाओ फटाफट, दे दो निकाल के। तो गाइस ये मेडिसिन आ चुका है, तो खा लिया जाए। थोड़ा फटाफट रेडी हो गए और फिर निकला जाए। रेडी हो चुके हैं, बड़ा कष्ट का जिंदगी है इस धरती पर। नहीं, मन नहीं कर रहा है जाने के लिए, लेकिन जाना पड़ेगा। और इधर डुगु सेठ और अप्पी सेठ, ये दोनों कह रहे हैं कि हम भी चलेंगे पापा, तो चलो इनको भी लेके चलते हैं। चलो भाई चलो चलो, तो गाइस चलते हैं इनको छोड़ करके, फिर ऑफिस निकल जाएंगे। गाइस हम पहुंच चुके हैं पार्किंग, इसके अंदर तो ऐसा लगता है कि अंधेरा ही हो रहा है। सो गाइस अभी एक सीन हो गया था, एक आंटी हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके चली गई और उन्होंने हैंड ब्रेक लगा दिया था ना, उनकी गाड़ी हिल रही और वो आई भी इतनी लेट। रिशु की छुट्टी हो चुकी है बहुत देर पहले, बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। तो चलो, सो गाइस अब हम पहुंच गए हैं बस रिशु के स्कूल, तो पहली बार ही आ रहा हूँ, पता नहीं है कहाँ पर। सन्नाटा हो गया, सारे चले गए, पर इसमें होगी अकेले। पक्का है? कौन सा स्कूल है? यही तो है पूरा स्कूल ही। ये स्कूल है पूरा? वाह, हमारा इसका एक चौथा ही बना है। बस पहुंच गए गाइस, गाइस आ गई ऋषि। वो सारा हमारा बहुत अगला सीन हो गया था, अभी बताएंगे। आ जाओ, क्या हो गया था अभी बताएंगे। बैठ गया, अभी कॉल करवाने रिसेप्शन पे, फिर मम्मी ने फोन उठाया, मस्त है, तू लेट हो गई है। अरे क्या बताया, मैडम ने सीन कर दिया, गड्डी के आगे कर दी गड्डी खड़ा और गड्डी में लगा दी हैंड ब्रेक, और बहुत लफड़े में हो गया, गाड़ी निकल नहीं रही थी, पापा की भरी थी, तो हो गई थोड़ी सी दिक्कत, इसलिए थोड़ा सा रिशु हो गए लेट। रिशु को क्या हम हो गए लेट? रिशु आने में लेट हो गए ना, तो अब हम लोग तो अब जा रहे हैं आप लोगों को छोड़ के, फिर हम निकल जाएंगे कितने ऑफिस के लिए। थोड़ा सा जाना पड़ेगा, सर में दर्द हो गया है, चूँकि थोड़ा सा मैडम को मैंने डांट दिया कि भाई ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, गलत है, तो गाइस सर में दर्द हो गया। फिर सभी अब बच्चों को उतार दिया जाए, उतरो 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 फटाफट देख के, चलो ओके ओके बाय। तो गाइस अब चला जाए, ये लोग गए घर के लिए और अब हम भी चले ऑफिस के लिए। काफ़ी लेट हो गया ऑफिस पहुँचते पहुँचते, ट्रैफिक बहुत था रास्ते में, और फाइनली भी पहुंच गए ऑफिस। अब थोड़ा गाड़ी को भी कर दिया पार्क, ये पार्किंग है, अब थोड़ा सा चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रुक पाएंगे, सर में हो रहा है दर्द,
एक घंटे रुकेंगे और फिर चला जाएगा घर के लिए। एक मीटिंग भी है, वहाँ भी थोड़ा जाना अर्जेंट ज़रूरी है। अब चला गया ऑफिस की तरफ, यही रास्ता है जिधर से ऑफिस की तरफ जाते हैं। गाइस अब मिलते हैं ऑफिस से निकलने के बाद। गाइस अभी ऑफिस से निकल के और पहुंच चुके हैं घर से। घर से ये फिर मैडम लोग आ गई हैं, भाई सब लोग आ गए हैं और अभी हम लोग फिर जा रहे हैं थोड़ा सा अभी ग्रेटर नोएडा, क्योंकि एक हॉस्पिटल में भाई साहब छोटे भाई हैं वो भर्ती हैं, उनका सीरियस थोड़ा सा हालत था। तो अभी चल रहे हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा शारदा हॉस्पिटल। रास्ते में बहुत भयानक एक एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, ज़रा इसको भी देखते हैं क्या है। गाइडर के बीचों बीच एक कार है वो चढ़ गई है, पता नहीं शायद क्रॉस करने की कोशिश किया या पता नहीं क्या हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हम लोग मिलके आ चुके हैं, वहाँ हॉस्पिटल नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मन दुखी था। हालत थोड़ा सा कल से सुधार है, कल भी गए थे थोड़ा सा सुधार हुआ है, बट अभी भी कंडीशन क्रिटिकल है। और ये राम प्यार इधर है, अब चले जाए सीधा घर, काफ़ी लेट हो चुका है, एक बजने वाला है। तो गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, खाना पीना भी हो गया और नींद भी आ रही है चूँकि थकान सी हो रही है, चूँकि आज भाग दौड़ ज़्यादा हो गया, बिजनेस तो बहुत ज़्यादा है ही। थोड़ा ऑफिस भी चले गए, ऑफिस से आके ग्रेटर नोएडा भी चले गए, वहाँ भी जाना ज़रूरी था, अभी छोटा भाई था तो वहाँ भी जा करके अभी हो करके आए हैं देख दाख करके। कल से काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो गाइस अब इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं कल नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।